दोस्तों देखिए, मेरे पास ई रिक्शा का दो कंट्रोलर है और आज का इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि ई रिक्शा कंट्रोलर का जो अंदर में पीसीबी बोर्ड रहता है उसमें एक प्रिंटेड कोड रहता है, तो उसी से आपको दिखाऊंगा कि कौन सा वायर किसका है। जैसे कि देखिए, ये वाला कंट्रोलर में एक ही कपलर में सभी वायर को कनेक्ट कर दिया गया है, जैसे कि इग्निशन, स्पीड मीटर, थ्रोटल और आपका जो जितना भी वायर है मेन वायर, तो सभी वायर को देखिए एक ही कपलर में कनेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में थोड़ा आपको पहचानने में दिक्कत होता है कि कौन सा वायर किसका है। और देखिए, जो दूसरा वाला कंट्रोलर है इसमें देखिए कोई भी कपलर ही नहीं है, तो आपको कैसे आप फाइंड आउट करें कि कौन सा वायर किसका है वही आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखिए, मेरे पास इसके लिए एक चार्ट है, ठीक है, छोटा सा चार्ट है, तो उसी से आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोलर पीसीबी कोड, ठीक है, तो कोड से आपको समझाऊंगा कि कौन सा वायर किसका है। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, ज़्यादा से भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम जो कंट्रोलर का पीसीबी है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारा कोड आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसी कोड से आपको दिखाऊंगा कि कौन सा वायर किस में कनेक्ट है और कौन सा वायर के क्या क्या काम है, ठीक है। और देखिए, पीसीबी का इधर साइड में भी आपको बहुत सारा कोड दिखेगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों जो मेन कनेक्शन है वही आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नंबर वन से। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है BCC। BCC का मतलब है इग्निशन, यानी कि जो 2400 से 48 वोल्ट आता है और कंट्रोलर को ऑन कर देता है, ठीक है। अभी दोस्तों आपको जो कंट्रोलर का पीसीबी है उसमें भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पर BCC प्रिंटेड है। तो चलिए देख लेते हैं कंट्रोलर में भी। तो देखिए, आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर प्रिंटेड है BCC, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो वायर कनेक्ट है वही दोस्तों इग्निशन का वायर है। तो चलिए इसका कलर देख लेते हैं कौन सा कलर में वायर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं BCC में 3 वायर कनेक्ट है। इसमें देखिए जो रेड वायर है मोटा वाला, ये दोस्तों इग्निशन का वायर है, और बाकी देखिए 2 वायर इसमें कनेक्ट है ब्राउन कलर में। तो चलिए सभी वायर को बाहर से देख लेते हैं, कंट्रोलर का बाहर जो कपलर है उसमें देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें आपको जो कपलर दिखाया था पहले, देखिए इसमें सभी वायर कनेक्ट है। तो इसमें दोस्तों जो रेड वायर है मोटा वाला, ये दोस्तों इग्निशन का वायर है, 2400 से 48 वोल्ट जो रिटर्न आता है इसमें कनेक्ट होता है, ठीक है। और बाकी देखिए जो 2 वायर था, एक जाएगा आपका एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म में, ठीक है, और दूसरा जो वायर था सेम कलर में ब्राउन कलर में, वो दोस्तों जो इनबिल्ट 48 वोल्ट का बैक होना आता है उसमें जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला इसका जैक है, यानी कि कपलर है, इसमें कनेक्ट होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोड देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है SD। SD का मतलब होता है थ्रोटल। थ्रोटल में दोस्तों टोटल 3 वायर रहता है, एक आपका रहता है 4.3 वोल्ट पॉजिटिव, एक रहता है नेगेटिव, और एक आपका रहता है सिग्नल वायर, जो कि आपका थ्रोटल से आता है आउटपुट। तो चलिए दोस्तों पीसीबी में देख लेते हैं कहाँ पर प्रिंटेड है, ठीक है, और कौन से कलर पे है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर है आपका 4.3 वोल्ट, उसके नीचे है ये SD है, और उसके नीचे ग्राउंड है, यानी कि ये जो 3 वायर है दोस्तों ये थ्रोटल का वायर है। तो चलिए इसका कलर भी देख लेते हैं कौन सा कलर पे है, ठीक है। तो देखिए, ये जो दोस्तों आपको रेड वायर दिख रहा है, ये दोस्तों 4.3 वोल्ट है पॉजिटिव, जिसमें व्हाइट लाइन है, और बीच में देखिए एक वायर है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। देखिए ग्रीन कलर पे है, ग्रीन कलर पे वायर है, और बीच में आपका व्हाइट लाइन है, ये दोस्तों सिग्नल वायर है, ठीक है, SD का वायर है, ठीक है। और एक आपको ग्राउंड लेना पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पर कोने पे सभी ग्राउंड देखिए एक जगह पर है, तो इससे आपको एक ग्राउंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 वायर आपका थ्रोटल के लिए आ जाएगा। तो चलिए बाहर कंट्रोलर का बाहर भी देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा वायर है। तो दोस्तों देखिए, कपलर में आपको 3 वायर दिखा देता हूँ। देखिए ये जो 3 वायर है दोस्तों, ये थ्रोटल का वायर है, ठीक है, 4.3 वोल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और एक आपका ग्रीन कलर में जो है SD वायर है, यानी कि सिग्नल वायर है। तो चलिए अब ये नेक्स्ट स्टेप को देख लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट कोड को देख लेते हैं। तो देखिए नंबर 3 पे है आपका SH का मतलब है रिवर्स, यानी कि गाड़ी जो पीछे चलता है उसको रिवर्स कहा जाता है। तो चलिए अभी प्रिंटेड बोर्ड पे देख लेते हैं, सर्किट पे देख लेते हैं SH कहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर है SH। तो दोस्तों इसमें जो वायर कनेक्ट है वही दोस्तों रिवर्स का वायर है। तो चलिए इसका कलर भी देख लेते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर SH लिखा हुआ है, और जो वायर का कलर है दोस्तों ये थोड़ा ग्रे कलर में है, ठीक है, ग्रे कलर में है, यही दोस्तों रिवर्स का वायर है। अभी दोस्तों देखिए चौथा पॉइंट पे लिखा हुआ है S+, यानी कि स्पीडोमीटर जो आपका मीटर में किलोमीटर होता है, स्पीड होता है, उसी को कहा जाता है। तो चलिए अभी PCB पे देख लेते हैं कंट्रोलर का। तो देखिए कंट्रोलर में जो आपको जो बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपको नहीं मिलेगा। देखिए कंट्रोलर का जो कोने पे है, कोने पे आपको देखने को मिलेगा S+। तो देखिए यहाँ पर है S+, ठीक है, यही दोस्तों जो स्पीडोमीटर का वायर है इसमें कनेक्ट है, ठीक है। तो चलिए इसका कलर भी देख लेते हैं कौन सा कलर पे है। तो आपको दिखाता हूँ, देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो बैगनी कलर है दोस्तों, ठीक है, पूरा बैगनी है, बीच में कोई लाइन नहीं बना हुआ है इसमें, पूरा ही बैगनी है। तो दोस्तों ये स्पीडोमीटर का वायर है, ठीक है। तो चलिए अभी अगला जो कोड है उसको देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है DC। DC के मतलब होता है दोस्तों पावर कट, यानी कि जो जब ब्रेक किया जाता है तब दोस्तों कंट्रोलर पावर कट हो जाता है, तो उसी को आपका DC कहा जाता है। तो चलिए अभी कंट्रोलर का जो PCB है उसमें भी देख लेते हैं DC कहाँ पर प्रिंटेड है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर प्रिंटेड है DC,
तो और उसके नीचे आपको एक ग्राउंड भी लेना पड़ेगा, ठीक है, पावर कट करने के लिए। तो चलिए डीसी का जो वायर का कलर है उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों डीसी का जो वायर का कलर है वो ये दोस्तों ब्राउन कलर में है, ठीक है, यही दोस्तों पावर कट के लिए है। और इसके साथ आपको एक नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। तो कोने पे देखिए आपको नेगेटिव मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो दो वायर रहता है पावर कट के लिए। तो आपको कपलर दिखा देता हूँ। तो देखिए कंट्रोलर का बाहर, कंट्रोलर के बाहर देखिए ये वाला जो कपलर है ये दोस्तों पावर कट के लिए है, इसमें ब्रेक स्विच लगता है, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो कोड है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है A3। A3 के मतलब होता है सिक्योरिटी अलार्म, ठीक है, जो एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म होता है उसी का है A3। ये दोस्तों मेन सिग्नल वायर रहता है, होता है। तो चलिए देख लेते हैं PCB में। तो देखिए जो एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म होता है उसमें दो कपलर रहता है, एक में आपका 48 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा और दूसरा जो कपलर है दोस्तों इसी में आपको सिक्योरिटी अलार्म का सिग्नल वायर मिल जाएगा, जो कि आपको दिखा देता हूँ कौन सा कलर पर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर है, ठीक है, यही दोस्तों मेन वायर है, ठीक है, इसी से आपका जो एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म है काम करता है, ठीक है। तो ये सेंसर वायर है। तो चलिए पीसीबी का जो पीसीबी है उसमें देख लेते हैं कहाँ पर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कोने पे A3 है। तो इसमें जो वायर कनेक्ट रहेगा वही दोस्तों एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म का जो आपका सेंसर वायर है, ठीक है, तो इसी से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए अभी जो लास्ट स्टेप है उसको देख लेते हैं। अभी दोस्तों देखिए लास्ट जो स्टेप है यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों जो हॉल इफेक्ट सेंसर है उसी का 5 वोल्ट है और इसमें एक नेगेटिव देना पड़ता है। और बाकी देखिए जो UV और W है ये दोस्तों तीन सेंसर के लिए है, तीन हॉल इफेक्ट सेंसर के लिए है, ठीक है। तो चलिए जो प्रिंटेड बोर्ड है उस पर देख लेते हैं कहाँ पर है और कौन सा कलर पे है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट। तो ये दोस्तों जो हॉल इफेक्ट सेंसर का पावर है उसका है 5 वोल्ट पॉजिटिव। और उसके नीचे देखिए है UV और W, ये दोस्तों तीन वायर है सेंसर के लिए, हॉल इफेक्ट सेंसर के लिए। और बाकी इसमें एक आपको नेगेटिव देना पड़ता है, ग्राउंड देना पड़ता है, ठीक है। तो 5 वायर मिलकर आपका हॉल इफेक्ट सेंसर का वायर आपका जो कपलर है उसमें आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका कलर जो है कलर को भी देख लेते हैं कौन सा कलर पे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हॉल इफेक्ट सेंसर का कपलर है, इसमें 5 वायर टोटल है। तो इसमें देखिए ये पॉजिटिव है 5 वोल्ट और इधर देखिए नेगेटिव है। और इसमें जो हरा पीला और ब्लू कलर दिख रहा है यही दोस्तों UV और W से कनेक्ट है, ठीक है।